কর্ম অন্বেষণের সুদূর উত্তরপ্রদেশ রু যা জেলা কড়িঙ্গনগর আসলে নিজের সান ভাই পাখক কাজ অনুষরণের এবং টাটা স্ট্রে কাজ করিয়ে গলি কিন্তু হঠাৎ বর্তমান সে নিখোঁজ অার অভিযোগ যাজপুর রোড থানার হয়েছে কিন্তু এযাবৎ কোণী প্রকার সন্ধান মিপারি তবে সিধা সাল ভাবে আসুন আলোচনা করা से व्यक्ति किए एवं क्यों ठहरू निखोश तुले स्वागत करते हैं आपको प्रतिदिन टीम में परिचय दीजिए सर मेरा नाम राजवीर है मैं उत्तर प्रदेश पीलीवी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ नगर टाटा स्टील में काम करता हूँ जाजपुर उड़ीसा में मेरा भाई भी मेरे साथ काम करने के लिए यहाँ पर भाई का नाम क्या है? मेरा भाई सुनील कुमार अभी बाईस तारीख को मेरे साथ इधर आया था काम करने के लिए अभी उसका ड्यूटी ज्वाइनिंग नहीं हुआ था लेकिन वो मैं ड्यूटी चला गया था मेरे से बोल के आया था कि मैं जाके सिम ले लेता हूँ नया तो जी जाजपुर जियो केयर से सिम लेने के बाद वो मेरे हाँ तीस तीस मार्च तीस मार्च दो हज़ार तेईस को वो ए, सिम लेने जाजपुर रोड से जियो केयर से आया था सिम लेने के बाद मेरे को फ़ोन किया कि भाई मैं सिम ले लिया हूं ये मेरा नया नंबर है मैं बोला ठीक है सिम ले लिया तो ऐसा करो अब तुम रूम पर चले जाओ फिर मैं फ़ोन काट दिया था फिर जब मैं शाम को ड्यूटी से सा आया साढ़े सात बजे तो मैं देखा कि भाई रूम में नहीं है तो मैं उसका फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ़ गया फिर मैं और लोगों से पूछा था जो कॉलोनी में लोग थे फ़ोन करके मैं बोला मेरा भाई नहीं आया अभी तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है वो कहाँ है देखे हो आप वो लोग बोला वो तो सुबह गया था दस बजे तब से आया नहीं अभी तक फिर रिश्तेदार जान पहचान में ढूंढे हाँ मैं रिश्तेदार और घर पे हर जगह फ़ोन कर लिया हूँ रिलेटिव को भी बता दिया हूँ लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ उड़ीसा में भी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड मेडिकल हर जगह खोज लिया हूँ कहीं कुछ उसका पता नहीं लग रहा है इकतीस तारीख के लिए मैं इकतीस मार्च के लिए जो गुलाई चौक थाने में एफ भी दर्ज करा दिया हूँ लेकिन अभी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है वो लोग बोल रहे हैं कि मैं सभी थानों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया हूँ आएगा तो कुछ बताएंगे लेकिन बाकी हाँ मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किए हैं तो हमको लोकेशन दिए हैं पटोली चौक के पास का एक उसके सामने जियो टावर है वहीं का रोड का दे वहाँ पे कोई दुकान वकान कुछ नहीं है उधर भी तलाश कर लिया हूँ हर जगह तलाश कर रहा हूँ लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है मेरा सभी उड़ीसा भाइयों से अनुरोध है जिस किसी भाई को मेरा भाई दिखे तो हमको कांटेक्ट करे मेरे नंबर पे नाइन डबल सिक्स फोर डबल सिक्स ज़ीरो फोर टू वन जो भाई हमको मेरे भाई को मिलवाने में सहयोग करेगा मैं उसे पाँच हज़ार का इनाम भी दूंगा अपनी तरफ से और मेरा नवीन सरकार से अनुरोध है कि वो मेरे प्रशासन से बोल के मेरे भाई को जल्दी से जल्दी तलाश कराने का कष्ट करें धन्यवाद ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପାଟୁଳି ଛକରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଇନାମ ରାଶି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେବେଠାରୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନଟିଭି ପରିଚୟ ରଖିବେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟ ସେଠୀ ମୋ ଘର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା

সবুগার আমি রাতে সারা খোঁজলু তার সন্ধান পাইলু না পু সকালে যাই গলৈ ছপুর গলৈ ছক থানায় এফআইআর দরজ কলু দরজ কলাপরে এই যাই অঠর দিন হয়ে মার্চ তিরিশ তারিখ দিন বারোটা তিরিশ মিনিটে যাজপুর ব্যাসনগর যাপপুর রোড জিও ক্যারু সে হয়েছি এবার বর্তমান পুলিশ থানার আমি কিন্তু তার সঠিক ଉତ୍ତର ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦାଦନ ଖଟିଆ ଆସିଥିବା ପିଲାଟି ଗରିବ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶାସନକୁ କହିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ବିଗତ କୋଡ଼ିଏ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସୁନୀଲ ପାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସେମ୍ ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାଜପୁର ପାଟୋଳି ଛକରୁ ତାଙ୍କ ହିଁ ଶେଷ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର କେବେ ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବି ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପାଆନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଚକ୍ରଧର ଦାସ ପ୍ରତିଦିନଟେ ବି